का कहना है एक हजारों में मेरी बहना है और सुंदर से प्यारे से एक मेरी बहना है। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। अभी पहुंचा नहीं हो, नाश्ता मंगाओ। रानी बहन नमस्ते बहन, इसको नीचे रख दो नहीं मर जाओगे, नाश्ता भी नहीं करने को पाओगे साली। ये क्या है? ओ अम्मा। अरे बोलो ना। काया है? ओ अम्मा बोलो ना। काया है? अम्मा पाँच लाख खुश रहो बेटा। ओ बुअल बुअल, ओ ओ बुअल क्या है? काका, राम राम। तुम्हारे घर में हमारो काम। कौन काम है? अम्मा पाँच लाख खुश रहा बच्चा, खुश रहा। ए बुआ तुम्हें पाँच लाख। ए काका राम राम, तुम्हारे घर में हमारो काम। कौन काम है काका? अरे तुम बातचीत होने दो, नाश्ता मंगाओ साले, जहां जाएंगे साले बुराई कराएंगे। ओ रुपया किस में है? ओ जेवर किस में? रुपया जेवर रहिमा है। वहां हाथ में देना मेरे दोस्त के। मेरे दोस्त बिजोटे जी देख रहा है, इसमें 5,000 रुपया है। 5,000 रुपया है, 2 सोने के कंगन है, 1 गले का हार है, वो जो बड़ी वाली ब्लैक वाली बैग है, इसमें बनारस की अच्छी अच्छी साड़ियां है। दोस्त इतना बड़ा बोझ
हम गरीब लोग नहीं उठा सकते, हमें सिर्फ 5,000 रुपया चाहिए। मेरे यार तुझे सिर्फ 5,000 रुपया वापस करना है, सिर्फ 5,000 रुपया वापस करना है। ये 2 सोने के कंगन, गले का हार, ये बनारस की साड़ियां, ये सब हम तुम्हारी बहन की शादी में ये सब कन्यादान के रूप में दे रहे हैं। अरे भैया खाली आपका लम्बादार का 5,000 रुपया लौटा रहेगा, खाली आपका लम्बादार का 5,000 रुपया लौटा रहेगा है, चाहे साल भले में लौटा दो, चाहे 6 महीने में, चाहे 2-3 साल में। और जो बनारस वाली साड़ी है, सोने के कंगन है, मिट्टी के सब नापदान में दे रहे हैं। नापदान में दे रहे हैं कि कन्यादान के रूप में दे रहे हैं? रानी दोस्त लीजिए, कम से कम नाश्ता कीजिए। रानी माँ के पूजा का समय हो गया और तू फूल तोड़ने नहीं गई? हमेशा भूल जाती क्यों माँ? और मेरी माँ फूल लेने को बगीचे मैं जाती छोड़ुआ, जिस काम के लिए कहा था वो हुआ कि नहीं हुआ है? राम सिंह इधर सामने आ, इधर सामने आ। साले बहरा, जो हम कल काम के लिए कहा था वो काम हुआ कि नहीं हुआ है? तुम्हारी लोगों की वजह से हमारा हमेशा बहुत बड़ा नुकसान होता है। मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे यहां आने की वजह से एक जरूरी कार्य भूल गया हूं, और अगर मैं समय पर ना पहुंचा तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। काफी दिनों के बाद आए, कम से कम चाय नाश्ता। मेरे दोस्त, एक चाय के नाश्ते की वजह से हमारा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। तुझे तो मालूम है कि इस ठाकुर का कितना बड़ा बिजनेस चल रहा है। आज जाने दे मेरे यार, जब दोबारा आएंगे तो सब परिवार के साथ बैठकर भोजन और चाय पीएंगे। जाने दे मेरे दोस्त, नमस्ते माँ जी। क्या बात, देखा मेरा दोस्त कितना अच्छा है। हाँ, ये बड़े लोग हैं, आज यहाँ जाना कल वहाँ जाना, ये करना वो करना, यानी बहुत से काम रहते हैं। फिर कभी आएंगे तो चाय नाश्ता जरूर करेंगे। आओ चलते हैं और शादी का प्रबंध किया जाए। चलो जात है, कहाँ है आपके कलोरिन में आगी लागी जात है। बस सही है, आपके पीछे मुझे नाश्ता पानी नहीं पा। बस सही है, वहाँ निहाद है सरग नरक के डाहा पाही और कुकुर मरिगा सारा आवाज है। तुम्हें 52 बीघा पुदीना झुरान जात है छोटुआ। और राम सिंह, जब हम लाखन सिंह के घर गए तो
लाखन सिंह के घर में हमने क्या क्या देखा। यहाँ से लाखन सिंह के घर गए तो सबसे पहले मुहार दिया खा, मुहार के बाद अनगाई गए, नलका गड़ा रहा वही का दिया खा, सिलमर दिया खा, लोढ़वा दिया खा, बर्तन दिया खा, खटिया दिया खा, कुल्हरी दिया खा, बल्टी दिया खा, लाखन सिंह के अम्मा का दिया खा, रानी का दिया खा। अरे बाप रे छोटुआ, और राम सिंह जैसे ही रानी माँ से इजाजत लेकर के चवन में फूल तोड़ने के लिए गई, कितना जोर से धक्का मारा रे, कितना जोर से धक्का मारा, ना जाने हमारे दिल में क्या हो रहा है कि चारों तरफ हमें रानी ही रानी दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि वो सामने रानी आ रही है, वो सामने देख रानी आ रही है, वही तो रानी है, वो सामने आ रही है, ये रानी आ रही है, वो रानी आ रही है, वो देख रानी आ रही है, ये रानी। निकलत हुए हमका दे दियो, हम आप फिर काम ना कर पाऊ भाई, हम हिसाब कर देते हो। तुझे कुछ हुआ तो नहीं है? हम फिर तुम्हें हाथ जोड़ी थे, जो 16-32 साना निकलत हुए हमका दे दियो, ये हालत में हम काम ना कर पाऊ भाई। इतने साल से नौकरी कर रहा है, आज दूसरे की वजह से दूसरे के प्यार में पागल होकर के आज तेरे जमींदार से इतनी बड़ी गलती हुई है, लेकिन अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन तुझे कुछ हुआ तो नहीं है? छोड़ुआ, मैं तो रानी के प्यार में अंधा हो गया था। इतने अंधा है कर अंगूठा बचा ली नहीं, मैं उनका दूसरे को प्रेग्नेंट कर दियो रहा। तू पागल हो गया है कि रानी हमें कहां पर मिलेगी? रानी आपको मिलेगी चमन में गई है फूल तोड़ने। अरे बाप रे, रानी ना कोनो हाट ना बजरिया से होला, ना कोनो हाट ना बजरिया से होला, उमरिया के रूप नजरिया से होला। रानी अगर तू चमन में फूल तोड़ने के लिए गई है तो ये तेरा आशिक भैरव सिंह चमन में भंवरा बन के आ रहा है।
हवेली में रहेगा ये कानो कान खबर किसी को नहीं होनी चाहिए। और छोटुआ तो हमारे साथ चमन की तरफ चलेगा, चमन की तरफ मेरे साथ चलेगा, आ हमारे साथ। गंगालाल भैया। हाँ गोविंदा भाई। यह बताओ, हाँ इनका कोनो पुरान परंपरा चली आई है? हाँ इनके कोनो पुरान परंपरा चली आई है? हाँ वो बाप दादा पीढ़ी चली आई है। हाँ सही आए। कौन ऐलान कराई है कौन परंपरा है? परंपरा ये थी कि इनकी पुरानी परंपरा बुजुर्गों से आ रही है। पहला ऐलान था कोई इंसान किसी माँ बहन बेटी की तरफ अगर अपनी नजर उठाएगा तो उस कुत्ते की दोनों नजर फोड़ दी जाएगी। अगर कोई इंसान, दूसरा ऐलान, कोई इंसान किसी माँ बहन बेटी की तरफ अपने हाथ बढ़ाएगा तो उस कुत्ते के दोनों हाथ काट दिए जाएंगे। और तीसरा ऐलान कोई इंसान किसी माँ बहन बेटी की तरफ जबरदस्ती अपने कदम बढ़ाएगा तो उस कुत्ते को सजाए मौत दी जाए। इनका ऐलान इनकी गांव में घुसेगा घुसेगा। एक मुहे कहा था, हाँ तुम हमारी बहनी बिटिया आई हो। हाँ एक मुहे कहा था, हाँ तुम हमारी बहनी बिटिया आई हो। सही है। और एक मुहे कहा कब मिलोगे मेरी जान। हाँ सही है। नहीं सुन लियो। हाँ को जने मर जा तो मरण के रवा परत। और लाखन बताओ इनका दोस्त माना सब कुछ माना थे। सही है। वही पतरी में खा रहा हूँ हिम्मत छेद कर रहा। हाँ सही। को जने मर जा तो मरण की रवा परत है। परत है। ये क्या साले के जिंदन परी है। परी है। ये क्या साले के जिंदन परी है। हाँ। अब वो प्लास्टिक के परी है। सही बात। आज हमका कुछ कहा है ना। हाँ। उतार के जूता। जूता। उतार के जूता बीसा न पाए मुहे बमारी। और ज्यादा बोले ना। हाँ। इनके मुहे के सामने गरिया दे। कौन करा? इनकी दादी काकी मौसी। हाँ। इनकी घर भरन की पाए लागी। साला वही में घात वही में छेद कर रहा। इनका हम रो बराबर नहीं डराए। एक तो एक साले के देखा मुंह नहीं निकला। यही का मुंह जैसे चुक चुक चुइया के। चुक चुक चुइया ऐसी जात होती। हाँ। अगर देख लियो। हाँ। तो संजय सुबह तक खाना नसीब नहीं ना। नहीं पता वही में खा रहा वही में छेद कर रहा है। अरे बहुत ज्यादा हमका नौकरी से निकाल दिया है। हाँ भाई हमका पैसा चिंता थोड़ो है। हमारा मेहरिया खुदे दिनों रात कमा रही है। दिनों रात हम ही चले हैं। हमारे लेबरन से करवावत होई। 70-75 लेबर हैं। हमारे राय बरेली में गन्ना कलेसर चल रहा है। को खोइया फेंक रहा है। को लेदुआ छान रहा है। को गुड़ की भेली बना रहा है। और तो डराए ना। तो डराए ना मान ले आज ही है ना। तो हिका कुछ कहिए तो डराए ना हम भाग जा। वह निहाद है खोपड़ी खोपड़ी एक है खोपड़ी माँ मत भेद। खोपड़ी खोपड़ी एक है खोपड़ी माँ मत भेद। और सबके खोपड़ी माँ देवता बसे इनके बसे परे। इधर आ सारे डेढ़ फुटा इधर आ। हमारे दिल में आग लगी हुई है। हमारे दिल में आग लगी हुई है। और जब हम चमन की ओर जा रहे थे तो अचानक हमारे कान में आवाज आई कि कौन किससे नहीं डरता है। साले कितना रुपया वाला हो गया है तेरा? कहां गन्ना का करे सर चल रहा है? जब आप कहा रानी कहां गई हमने कहा चमन गई फूल टोन ने।
ये हमका रोक ली और बातन मार जा रहा ये इंतजार हम कर रहे हैं ना खुश रहो बेटा खुश रहो क्यों रे जो वो मेरे साथ जाने के लिए तैयारी कर रहा था तो काहे को रोक लिया रे काहे को रोक लिया साले तेरी माई को जब वो मेरे सामने चला गया था खुश रहो बेटा तो काहे को रोक लिया ये एक टेंट के पीछे लुके बैठे चूतिया बनावा दे तुम साले इनसे एक चीज पूछन बता नहीं बना पाएगा क्या पूछा इनसे पूछन जैसे लिखा है ग्वालियर ग्वालियर जैसे कहीं पर लिखा है ग्वालियर तो ग्वालियर में सबसे पहला अक्षर कौन पड़ी पहले साले ये बता कि पढ़ा लिखा है साले के अंगूठा छाप है पढ़ाई बाउंड्री लाइन के बाहर इसीलिए साले छोटा सा सवाल याद नहीं आ रहा है हम बताएंगे ना किसमें पहला अक्षर क्या आता है जब हम 1984 में क्लास 4 में पढ़ाई कर रहे थे तो हमने एक रानी लक्ष्मीबाई झांसी वाले का एक पाठ देखा था तो उसमें आज भी याद है किसमें ग्वालियर शब्द लिखा हुआ था अगर कहीं भी देखो अगर ग्वालियर लिखा है तो ग्वालियर में पहला अक्षर आता है आधा गा लंबा दार आधा गा की पूरा गा रानी वही बगीचे कहीं जा रहा है मुझे फूल तोड़ना और माजी के लिए लेके जाना लेकिन ज्यादा टाइम हो गया मैं चलती हूँ रंग रंग के फूल खिले मन भावे कोई रंग ना अब आन मिले सजना अंदर जा रही है घने में आगे चलते हैं
साहब। भैया रानी, भैया मैं समझी नहीं तुम्हारी बात को कि इस बगीचे में आए किस लिए हो। रानी ये देख बार बार मुझे भैया वाला शब्द मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अरे आप बड़े भैया हैं दद्दा। क्यों रे छोटुआ, ये भैया वाला शब्द मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। भैया अरे बताओ ना कौन सा राजी। बताओ बताओ अगर तू पूछ रही तो बताएंगे नहीं तो मालूम कैसे होगा। अरे बड़े भैया आप जरूर बताइए। क्योंकि मेरी शादी हो रही है और आप हैं भैया और आपको चिंता नहीं होगी तो फिर किसको होगी। भैया रानी आप बहुत नेक दिल इंसान हैं, बहुत बढ़िया दिल। सब कुछ कहो लेकिन ये बार बार भैया वाला शब्द मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अरे भैया आप ही बताओ क्या बोलूं आपको। ओ रानी हम ज्यादा समय नहीं लेना चाहते हैं इसलिए कि तुम जानती हो कि तुम्हारी शादी होने जा रही है। मेरी शादी हो रही है और आपको चिंता है मुझे पता। और अगर किसी बहन बेटी की शादी होती है तो जिस दिन बारात वापस जाती है तो साला घर देखने में कंगाल लगता है। तो हम सोच रहे हैं कि अगर तेरी शादी भी हो जाए और तेरे भाई का रुपया भी बन जाए तो ये अच्छा रहेगा कि साला दहेज में घर कंगाल हो जाए तो वो अच्छा रहेगा। भैया देख लो किस तरह की मेरी शादी हो रही है, हो जाने दो। और भैया अगर भैया को ये दिमाग बता दो तो फिर इससे अच्छा क्या होगा। भैया तेरे लिए तो हम सब कुछ बता देंगे। हेलो भैया। हेलो ये आगे राकेश कुमार यादव, ये बलभद्रपुर कोहार एक कांग्रेस के समर्थक है, 11 रुपए का पुरस्कार पार्टी से। धन्यवाद भैया। बिल्कुल कोई ऐसी सलाह बताओ, कोई ऐसी सलाह बताओ।